अस्सलाम वालेकुम। फोर क्लास हम लोग यूनिट नंबर फाइव कर रहे थे, ठीक है। यूनिट नंबर फाइव में हमारे पास मेजरमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 5D हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। उसमें हम टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज 5D को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 12 हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में हमारे पास है स्टेटमेंट कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, हमने उनको कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड्स में। पेज नंबर 132 है, हम इसमें से क्वेश्चन का 13 का बी पार्ट करते हैं। 2 आवर 5 मिनट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमारे पास स्टेटमेंट थी कि वैल्यू को गिवन थी हमारे पास, हमने उसका आंसर सेकंड्स में लाना था। क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसे ही था, लेकिन हमारे पास वैल्यूज़ जो थी वो डिफरेंट वेज में दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास मिनट्स और सेकेंड्स में दी हुई थी, हमने उनको सेकेंड्स में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास आवर्स में दी हुई थी और हमने उनको सेकेंड्स में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसे हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है आवर्स एंड मिनट्स में, हमने इनको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 आवर हमारे पास इक्वल होता है 60 मिनट्स। अगर आवर से सेकंड में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। अगर हम मिनट से सेकंड में जाएंगे तब 1 मिनट में 60 सेकंड है, मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। अगर हम आवर से डायरेक्ट सेकंड्स में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 आवर में 3600 सेकंड्स हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3600 करेंगे, ठीक है। ये 3600 से ये टेबल है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेना है, कल कुछ क्वेश्चंस में हो भी गया होगा। इसको फॉलो करते हुए हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू गिवन है आवर्स और मिनट्स में, हमने इनको कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड में। इसका मतलब हमें दोनों वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि हमने इनको लेके आना है सेकंड्स में। ये हमारे पास मिनट्स में है और ये आवर्स में, दोनों को हम क्या करेंगे, चेंज। आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से, क्योंकि 1 आवर में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। 2 मल्टीप्लाई बाय 3600 आंसर आ जाएगा सेकंड्स में, प्लस 5 मिनट्स। अब मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स है, 60। तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड्स में, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे रफ वर्किंग। यहाँ पे मैं वर्किंग कर रही हूँ, यानी रफ वर्क। 2 मल्टीप्लाई बाय 3600, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया,
7200 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया हमने इनको, प्लस नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 60, 5 0 द 0, 5 6 द 30, बस आ गया 300 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर देंगे टोटल सेकेंड्स करने के लिए। वैल्यू वंस वाली साइड से लिख के ऐड करेंगे हम, 0, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 2 5 एंड 7। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7500 सेकेंड्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, देखिए ज़रा। क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, हमने उनको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। वैल्यू देखें हमारे पास किस किस चीज़ में गिवन है, आवर्स और मिनट्स में। तो हमने आवर्स और मिनट्स को दोनों को सेकेंड में चेंज करेंगे। आवर, वन आवर में कितने, वन आवर में हमारे पास सेकेंड्स में जाने के लिए कितने सेकेंड्स होते हैं, वन आवर में 3600 सेकेंड्स। तो हम इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 3600 के साथ। ठीक है, और मिनट से सेकेंड में जाने के लिए, वन मिनट में कितने सेकेंड्स हैं, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू आवर, तो टू मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड, प्लस करेंगे क्योंकि सेकेंड्स को टोटल करने के लिए। फाइव मिनट्स हैं, मिनट से सेकेंड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, वन मिनट में 60 सेकेंड है, तो फाइव में कितने होंगे, फाइव मल्टीप्लाई बाय 60, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 60 इज़ इक्वल टू 300। इनका सम किया हमने यहाँ पे, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 2 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। वैल्यू हमारे पास गिवन है आवर्स और मिनट्स में, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। 2 आवर 20 मिनट्स इज इक्वल, आवर्स को सेकंड्स में करने के लिए, वन आवर में कितने सेकंड्स हैं, 3600, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3600 के साथ। 20 मिनट्स, वन मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 60, तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनकी मैं वर्किंग यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टू ज़ीरो द ज़ीरो, टू ज़ीरो द ज़ीरो, टू सिक्स द 12, वन कैरी, टू थ्री द 6 प्लस 1 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 60, ज़ीरो को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, हमारे पास क्या आएगा, 0 0 0, 0 2 ज़ीरो, 6 का करेंगे, 6 0 ज़ीरो, 6 2 ज़ 12। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 7200 सेकेंड्स, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 1200 सेकेंड्स। अब इनको टोटल करेंगे, यानी ऐड करेंगे इनको, ज़ीरो प्लस ज़ीरो,
वी गेट 8400 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है आंसर। एक बार दोबारा देखिए ज़रा, हमारे पास वैल्यू गिवन थी आवर्स और मिनट्स में, और हमने कन्वर्ट किस में करनी थी, सेकेंड्स में। ठीक है, तो हम आवर्स को सेकेंड्स में करने के लिए क्या करेंगे, वन आवर में 3600 सेकेंड्स हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 3600 से करेंगे, प्लस 20 मिनट्स, मिनट्स को सेकेंड में करने के लिए वन मिनट में 60 सेकेंड है तो हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 60। इनको हमने यहाँ रफ में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया, प्लस 20 मल्टीप्लाई 60 हमने किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, हमने इनका सम किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास आंसर किस में आ गया है, सेकंड्स में, तो इसलिए हमने आंसर के साथ यूनिट क्या लगा दिया, सेकंड्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट वर्टिकली एंड सॉल्व। ठीक है, वर्टिकली कहते हैं अप एंड डाउन वैल्यूज को, अप एंड डाउन लिखना। ठीक है, 90 के एंगल से, मतलब ऊपर नीचे वैल्यूज लिखना। ठीक है, तो उनको हम ऊपर नीचे लिखेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। बी पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। हमारे पास वैल्यू गिवन है 1 hour 23 minutes, 2nd वैल्यू है 30 minutes 20 seconds, ठीक है। देखिए, जैसे हमने एक्सरसाइज 5A, 5B, 5C में हमने मेजरमेंट्स के जो यूनिट्स थे हमने उनको ऐड किया था, इनको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, वर्टिकली करेंगे, ऊपर नीचे लिख के अप एंड डाउन वैल्यूज़ को लिख के। तो इसमें देखिए हमारे पास वैल्यू गिवन है आवर्स मिनट्स, ठीक है, आवर्स मिनट्स, इसमें मिनट्स और सेकंड। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आवर मिनट सेकंड तीनों में गिवन है, हम इसमें कॉलम्स बनाएंगे आवर का, फिर आवर से छोटा होता है मिनट, फिर मिनट का और फिर सेकंड। ये इसकी जो अरेंजमेंट है ये यही होनी चाहिए, सबसे बड़ा आवर, उससे छोटा होता है मिनट्स, फिर मिनट्स, मिनट से छोटा होता है सेकंड, फिर सेकंड। सेकंड इधर आ जाए या मिनट इधर आ जाए तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ठीक है, इसलिए आपने इनकी अरेंजमेंट को गौर से देखना है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये पूरी एक वैल्यू है हमारे पास और ये एक है। ठीक है, तो अब फर्स्ट वैल्यू हम पहले राइट करेंगे, 1 hour, आवर के नीचे क्या जाएगा, 1, 23 क्या है, मिनट्स, तो मिनट्स के नीचे क्या आ जाएगा, 23। और फर्स्ट वैल्यू में सेकंड हमारे पास कुछ नहीं है तो हम सेकंड की जगह पे क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू में आवर की वैल्यू क्या थी, 1, मिनट्स की 23, सेकंड कुछ भी नहीं था, हमने सेकंड की जगह क्या लगा दिया, 0। प्लस नेक्स्ट वैल्यू देखें, 30 मिनट्स, 30 क्या है, मिनट्स, तो आपने ध्यान रखना है कि 30 को इसके नीचे नहीं लगाना, 30 को किसके नीचे लिखेंगे, मिनट्स के नीचे। 20 सेकंड्स, 20 क्या है, सेकंड्स, तो 20 को सेकंड के नीचे। अब इस वैल्यू में आवर की वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब आवर्स क्या होंगे, 0। ठीक है, वैल्यू को ध्यान से राइट करना है। अब हम इनको ऐड करेंगे, 0 प्लस 20,
20 सेकेंड्स, 23 प्लस 30, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 53 मिनट्स एंड 1 प्लस 0 1, तो हमारे पास आंसर है 1 आवर 53 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, एक बार दोबारा देखें। राइट वर्टिकली एंड सॉल्व, वैल्यूज़ गिवन है, इनको हमने वर्टिकली यानी अप एंड डाउन राइट करना है और इनको सॉल्व करना है। बी पार्ट है, वैल्यू हमारे पास है 1 आवर 23 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। हमने देखना है कि वैल्यू किस किस में गिवन है, उस चीज़ के कॉलम ड्रॉ करेंगे। आवर, मिनट, मिनट, सेकेंड, यानी आवर भी है क्वेश्चन में, मिनट भी और सेकेंड भी। हमने तीनों के कॉलम बनाने हैं, लेकिन तरतीब को ध्यान से देखना है। पहले आवर आएगा, आवर सबसे बड़ा है, फिर मिनट, फिर सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास आवर्स कितने हैं 1 और मिनट्स 23। सेकेंड की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने सेकेंड की जगह क्या लगा दिया, 0। प्लस सेकेंड वैल्यू में देखें 30 क्या है, मिनट्स, तो 30 को मिनट्स के नीचे राइट किया, और 20 क्या है, सेकेंड, इसको सेकेंड के नीचे। आवर की कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने 0 लगा दी। अब इनको हम प्लस का साइन है, तो प्लस करेंगे, 0 प्लस 20 20, 23 प्लस 30 53, 1 प्लस 0 1। हमारे पास आंसर क्या आया, 1 आवर 53 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट करते हैं। ठीक है, सी पार्ट की वैल्यू हमारे पास है 4 आवर 16 मिनट्स, 4 आवर 16 मिनट्स 10 सेकेंड्स प्लस 1 आवर 2 मिनट्स 15 सेकेंड्स। वैल्यू फिर किस किस में गिवन है, आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स में। ठीक है, तो हम कॉलम किस किस चीज़ का बनाएंगे, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू देखें, आवर्स कितने हैं 4, 16 हमारे पास क्या हैं मिनट्स, और 10 हमारे पास क्या हैं सेकेंड्स। प्लस सेकेंड वैल्यू देखें, 1 आवर, आवर के नीचे आएगा 1, मिनट्स कितने हैं 2, और सेकेंड्स कितने हैं 15। ठीक है, वैल्यूज पुट की, वर्टिकली राइट किया इनको, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐड प्लस का साइन है, तो हम इनको प्लस करेंगे। 10 प्लस 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 सेकेंड्स। इसमें भी देखें, आपने कॉलम बनाते हुए ये यूनिट्स का ध्यान रखना है, पहले आवर्स, फिर मिनट्स एंड देन सेकेंड्स। ठीक, 16 प्लस 2 हमारे पास क्या होगा, 18 मिनट्स। ठीक है, और 4 प्लस 1 क्या होगा, 5 आवर्स। तो हमारे पास आंसर क्या है, 5 आवर्स 18 मिनट्स 25 सेकेंड्स। नेक्स्ट, दोबारा इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, वैल्यू गिवन है आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स में। हमने कॉलम ड्रा किया आवर्स, आवर्स सबसे बड़ा होता है, फिर मिनट्स, फिर उससे छोटा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स की तरतीब देखे, सबसे बड़ा यूनिट आवर है, तो आवर्स, उससे छोटा मिनट्स है, फिर मिनट्स, उससे छोटा यूनिट सेकेंड है, तो फिर सेकेंड। वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू में 4 आवर्स हैं, आवर्स के नीचे राइट कर देंगे, 16 मिनट्स हैं, मिनट्स के नीचे आ जाएगा, 10 सेकेंड्स हैं, तो सेकेंड्स के नीचे आ जाएंगे। प्लस नेक्स्ट वैल्यू में आवर्स कितने हैं 1, मिनट्स कितने हैं 2, सेकेंड्स कितने हैं 15। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 10 प्लस 15 25, 16 प्लस 2 18। अच्छा, एक चीज़ और, 16 प्लस 2 जो है ना, ये जो 2 है ये 6 के नीचे है, ये 2 किसके नीचे है, 6 के नीचे। वैल्यू हमेशा
वंस के नीचे उसे राइट करते हैं ना, 16 प्लस 2 को ऐसे ऐड करना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि 2 इसके नीचे है, ठीक है। तो ये हमारे पास 18, 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, हमने टाइम को ऐड करना देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आप लोगों की डायरी जो है वो है एक्सरसाइज 5D, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 की प्रैक्टिस करनी है हमने। ठीक है, रफ़ नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।